दोस्तों, आप लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखा होगा, वो जो वीडियो बनाते हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होती है, क्योंकि वो भाई बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड को कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि उनकी जो वीडियो है वो हाई लेवल की लगती है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी भाई अपनी वीडियो को ऐसी बना सकते हो। अगर आप लोग फोन से शूट करते हो तो भी बना सकते हो, और उसके कुछ तरीके हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसे अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप भी भाई अपने मोबाइल फोन से एक प्रोफेशनल वीडियो शूट कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमारी जो वीडियो हो रही है वो शूट हो रही है केवल नॉर्मल लाइटिंग में, और वो सबसे पहली चीज दोस्तों ये है कि अगर आप लोग अपनी लाइटिंग को इम्प्रूव करते हो तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी और वीडियो काफी अच्छी भी लगेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपनी लाइटिंग दिखाना चाहूंगा जो कि मैं नॉर्मल में बना रहा हूँ, और उसके बाद दोस्तों सारी लाइटिंग जला के मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसी वीडियो की क्वालिटी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो आप लोग, ऊपर की साइड में मैंने एक लाइट रखी हुई है और यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो शूट हो रही है, और बाकी दोस्तों लाइट बंद पड़ी है वो देखिए आप लोग। यहाँ पर अम्ब्रेला लाइट भी मैंने रखी हुई है जो कि बंद है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूंगा, अभी मैं 3 तक गिनूंगा और यहाँ पर लाइटिंग सारी चालू हो जाएगी, 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों मैंने लाइटिंग सारी चालू कर दी है, और आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि पहले की वीडियो के मुकाबले अभी की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा आपको पसंद आ रही होगी, काफी ज्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि लाइटिंग काफी ज्यादा जरूरी है वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने लाइटिंग कहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि आपको भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर तो दोस्तों हमारी पहली लाइट है, उसके अलावा दोस्तों अम्ब्रेला लाइट मैंने यहाँ पर रख दी है, और पिछली जो दोस्तों ये ट्यूबलाइट है वो भी मैंने चालू कर दी है। वो ट्यूबलाइट दोस्तों पीछे जो बैकग्राउंड है वहां पे भाई दे रही है रोशनी, और यहाँ पर दोस्तों सामने, और यहाँ से भी दोस्तों सामने लाइट आ रही है, तो वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो ये दोस्तों पहली चीज है जिसे आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग अपने बैकग्राउंड को अच्छा बना सकते हो, अपने फेस पे दोस्तों अच्छी लाइटिंग लाके एक अच्छा वीडियो बना सकते हो। तो अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग ज्यादा लाइटिंग रख के वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसको और नेक्स्ट लेवल तक ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग बैकग्राउंड में देखिए, सब भाई आप लोगों को लग रहा होगा भाई केवल नॉर्मल, लेकिन अभी मैं लाइटिंग चालू करता हूँ अपनी RGB, और अभी दोस्तों आप लोग देखना बैकग्राउंड तो अभी से आपको इम्प्रूव देखने को मिल गया होगा। और भाई जो ब्लू लाइट है वो मेरी फेवरेट है, तो पीछे देखो आप लोग सब ब्लू ब्लू हो चुका है, क्योंकि बैकग्राउंड में भाई हम लोगों ने जला दी है RGB लाइट। RGB लाइट कैसी है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कैमरा चालू कर दिया हो, और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये रही दोस्तों RGB ब्रिक लाइट। ये दोस्तों आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगी, 150-200 या फिर 250 रुपए की आती है, मैंने शायद इतने के लिए थी, लेकिन इसकी एक दिक्कत है भाई, इसमें 2 लाइट जलती है, 1 लाइट खराब हो चुकी है, और वहां पे दोस्तों एक मैंने रखी हुई है उसमें भी भाई 2 जलती है, 1 खराब हो चुकी है, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो आप लोग भाई देख लेना, आपको लेना तो आप लोग ले सकते हो सकेगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। केवल भाई RGB लाइट बैकग्राउंड में यूज करने से बैकग्राउंड देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, और वीडियो की क्वालिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। ये दोस्तों आप लोग आगे की क्लिप पे जाके देख सकते हो, और यहाँ पर आके देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग अपने वीडियो में केवल ये 2 चीजें अप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने बताया कि लाइटिंग और RGB लाइट बैकग्राउंड में, तो वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर सेटअप है है तो आप लोग भाई उसके जरिए कैसी वीडियो बना सकते हो, कैसे एक अच्छा सेटअप करके वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो वीडियो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है हमारा सेटअप, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं कैसे सेटअप करता हूँ, और आप भी भाइयों इसे फॉलो करोगे तो आप भाइयों अपने वीडियो की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, बैकग्राउंड अच्छा बना के वीडियो काफी अच्छी बना सकते हो। तो भाइयों सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारी अम्ब्रेला लाइट है उसे हमें सेटअप करना है। सेटअप कहाँ पे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास दोस्तों अम्ब्रेला लाइट नहीं है तो आपको जरूरत भी नहीं इसको लेने की। अगर आपके पास दोस्तों ट्यूबलाइट है 200-300 रुपए की, तो उसको भी आप लोग भाइयों लगा सकते हो यहाँ पर। पहले दोस्तों मैं क्या करता था, यहाँ पर एक बाल्टी रखा था, बाल्टी के ऊपर भाई मैंने ट्यूबलाइट को ऐसे रख दिया था, तो भाई लाइट ऐसे पड़ रही थी, लेकिन अम्ब्रेला लाइट है और यहाँ पर मैंने लाइटिंग कर दी है तो कोई इशू नहीं होता अभी, वरना भाई ये जुगाड़ हम लोग कर सकते हैं। केवल 200-300 रुपए की लाइट लेके हम लोग भाई कुछ इस तरीके से सामने की ओर हमें लाइटिंग देनी पड़ती है। और भाई मैं अम्ब्रेला लाइट का इसलिए इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक बेनिफिट है, सीधी लाइट दोस्तों हमारे चेहरे पे नहीं पड़ती है, सॉफ्ट लाइट पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी चेयर पे बैठूंगा, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो लाइट है इसको चालू कर देता हूँ, क्योंकि भाई वीडियो बनाते समय इसको चालू में कर ही देता हूँ। और वहां पर दोस्तों एक लाइट जल रही है, उसको मैं अभी बंद कर दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड में भाई वो लाइट हमें वहां पे नहीं रखनी है, कहाँ पे रखनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि जो वीडियो बने वो काफी ज्यादा औसम लगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लाइट है उसको मैं निकालूंगा उधर से। तो अब इस लाइट को मैं कहाँ पे रखूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो CPU है उसके साइड में दोस्तों मैं इसको रख दूंगा यहाँ पर,
देखो मैंने कैसे रख दी है, ऐसे मैंने रखी, आप लोग रखना चाहे तो रख सकते हो, ना रखना चाहे तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगा कि कैसा आता है फिर बाद में। और भाइयों ये जो लाइट है हम लोग प्लग इन कर देंगे, और भाइयों जो लाइट है वो चालू हो चुकी है। तो गाइस अभी आप लोग देखो लाइट मैंने वहां पर लगा दी है, और दोस्तों चेयर को मैं रख दूंगा यहाँ पर। तो भाइयों बैकग्राउंड में कुछ ऐसा लुक आएगा देखो, बहुत ही ज्यादा ऑसम। और यहाँ पर दोस्तों पीसी के पीछे भी एक और चीज लगानी है, और वो चीज है दोस्तों अपनी आरजीबी लाइट। आरजीबी लाइट दोस्तों बहुत जगह पे काम आती है, बैकग्राउंड में भी काम आती है, पीसी के पीछे रख दो तो भी बैकग्राउंड काफी ज्यादा ऑसम लगता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने आरजीबी लाइट इस तरीके से रख दी है, इसको दोस्तों हो सकेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा पीछे रखने, कांड हो गया। तो अभी दोस्तों छोटा सा कांड हो गया था, इसका जो वायर है वो समझ लो कि खराब हो गया था, तो मैंने भाई दूसरा वायर लगा दिया बड़ा वाला। और अभी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको पीछे रख देंगे, पीछे कुछ इस तरीके से रखना है ताकि ये सही से रह जाए। तो भाई देखो आप लोग यहाँ पर हमारा बोर्ड भी रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। स्टार्ट करने का दोस्तों अभी से आप लोग देखो कितना कूल लग रहा है बैकग्राउंड पीछे का। तो अभी कैसे आप लोग देखोगे तो बैकग्राउंड में मैंने लाइट चालू नहीं करी हुई, केवल अम्ब्रेला लाइट एक रखी हुई है, बाकी की जो आरजीबी लाइट और पीछे जो लाइट रखी थी वो मैंने अभी चालू नहीं करी है। अभी मैं चालू करूंगा और आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे मैंने रखा हुआ है। देखो आप लोग यहाँ पर मैंने एक अम्ब्रेला लाइट रखी है, इसके अलावा दोस्तों आप लोग देखो ये भी बंद है और बाकी सारी भी बंद पड़ी हुई है। और दोस्तों अगर आपके पास पीसी वाला सेटअप है तो उसमें भाई आप लोग एक अच्छा भाई वॉलपेपर रखने की कोशिश जरूर करना, डार्क मत रखना, कुछ ऐसा रखना हरा भरा ताकि दिखने में अच्छा लगे। और अभी दोस्तों मैं लाइट चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है, मैं चुटकी बजाऊंगा और लाइट चालू हो जाएगी। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि बैकग्राउंड कितना कलरफुल हो चुका है, यहाँ पर लाइट जल रही है, यहाँ पर भाई आरजीबी लाइट जल रही है, मतलब कि भाई बैकग्राउंड काफी ज्यादा ओपी लग रहा होगा आप लोगों को। आप लोग दोस्तों छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देकर अपनी वीडियो की क्वालिटी को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो। और भाई जिनके पास भाई ऐसा सेटअप या फिर समझ लो कि वॉलपेपर नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, उनको भी मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे भाई आप लोग मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हो उससे भी अच्छा बैकग्राउंड ला सकते हो, और वो है दोस्तों ग्रीन स्क्रीन। दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को ग्रीन स्क्रीन के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा। ये दोस्तों कुछ ग्रीन कलर का कपड़ा आता है, ग्रीन भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम होता है दोस्तों एडिटिंग में भाई अच्छा बैकग्राउंड लाना। काफी सारे लोग दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं फिल्मों में, VFX में, दोस्तों काफी जगहों पे दोस्तों इस चीज का इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसे कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देखोगे तो मैंने ग्रीन कपड़े को लगा दिया है। अब मैं आपको दोस्तों एडिटिंग के जरिए सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस ग्रीन कपड़े को निकालेंगे और कैसे एक अच्छा बैकग्राउंड रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैं आपको अपने पीसी में सिखा रहा हूँ कि कैसे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके अच्छा बैकग्राउंड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पीसी नहीं है उनको भाइयों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाइयों मैं ऑलरेडी मोबाइल का वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आप लोग काइन मास्टर के जरिए बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। उस वाले वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है, वो जाके आप लोग देख लेना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग भाइयों पीसी में एडिटिंग करके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जिस एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम है मोवावी वीडियो एडिटर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को वो बैकग्राउंड चूज कर लेना है जिसे हम लोग लगाना चाहते हैं, जैसे कि भाइयों मैं ले लेता हूँ ये वाला घर वाला बैकग्राउंड, मुझे काफी सही लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं इस पे जाके क्रॉप कर देता हूँ ताकि ये फिट हो जाए हमारे वीडियो के मुताबिक। और अभी दोस्तों हम लोग इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ये दोस्तों इमेज है वीडियो नहीं है। लेंथ बढ़ाने के बाद दोस्तों ये वाला जो वीडियो है उसको हम लोग उठा के इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे, वरना भाई हम लोग डायरेक्टली भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियो को कट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों मैं ये जो वॉल्यूम वाला है उसे निकाल देता हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ग्रीन स्क्रीन कहाँ पर है कितना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग दोस्तों इतना क्रॉप कर लेंगे, तो आप लोग देखो इतना क्रॉप कर दिया, अभी भाई ग्रीन स्क्रीन के अंदर हम लोग आ चुके हैं, बस इतना काम हो चुका है। अभी भाई क्या करना है, केवल ग्रीन स्क्रीन को निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रोमा की, और मोबाइल में भी भाई क्रोम ब्राउजर में आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके जरिए आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कलर का ऑप्शन, इस पर जाके हम ड्रॉप कर देंगे। तो आप लोग दोस्तों देखो बैकग्राउंड तो निकल चुका है, लेकिन थोड़ा सा हमें कलर करेक्शन यानी कि सारी चीज़ सेटअप करनी पड़ेगी सही से। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा कर देंगे तो भाई दोबारा से ये हो जाएगा, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। तो अब दोस्तों आप लोग देखिए कि बैकग्राउंड निकल चुका है, और लग रहा है ना कि पीछे का बैकग्राउंड भाई हमारा ही है। ऐसे दोस्तों हम लोग बहुत से बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ और एक बैकग्राउंड। यहाँ पर दोस्तों इसको मैं रख देता हूँ कट करके, और यहाँ पर दोस्तों ये वाला बैकग्राउंड भी काफ़ी सही लग रहा है,
तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो, ये वाला भी काफी सही लग रहा है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग छोटी छोटी चीजों को इम्प्रूव करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो पे दोस्तों मैं 200 लाइक का टारगेट रखता हूँ, जो मेरे ख्याल से मेरे सभी भाई लोग जरूर कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कमाल के वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है।